हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा फ्रॉम शतरंज टाइम। आज एक सिद्धांत चेस का एक नया प्रिंसिपल रूल ऑफ ऑपोजिशन आपको सिखाने के लिए। और इस वीडियो को बनाने का मेरे दिमाग में आइडिया ऐसे आया कि परसों मैं एक रैपिड गेम खेल रहा था। उसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, अगर आप चाहें तो उसे रेफर कर सकते हैं। तो वो गेम खेलते टाइम ये जो पोजिशन जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये सेम सिचुएशन उस टाइम पे उस गेम में आ गई थी। और थैंकफुली मुझे रूल ऑफ ऑपोजिशन पता है, तो किस तरह से मैंने उसे गेम में अप्लाई करके और अपने ये जो एक सॉलिटरी प्यादा है, इसे मैं किस तरह से गेम में आगे जाके लेके प्रमोट करके गया और किस तरह से मैंने इसे आगे क्वीन किया। तो आई वॉज रियली थैंकफुल कि हाँ, मुझे ये चीज़ पता है और मैं इस चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ। और यही इस प्रिंसिपल की ब्यूटी है कि अगर आपको रूल ऑफ ऑपोजिशन आता है लगाना, तो गेम आपका है। उसमें ब्लैक कोई भी ऐसी चाल नहीं चल सकता। अगर एक बार आपने ऑपोजिशन ले लिया गेम में, तो कोई भी ऐसी चाल नहीं है जिसे चल के ब्लैक इस गेम में आपको हरा पाए। ये इतना प्रोफाउंड प्रिंसिपल है चेस में। तो हम थोड़ा देखते हैं कि मतलब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, और मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली ये समझाता हूँ, और उसके बाद अगर आप उस गेम को रेफर करेंगे मेरे, तो आपको ये भी चीज समझ में आएगी कि हाँ, प्रैक्टिकली जो भी आप सीखते हैं चेस के गेम में, चाहे वो आप बाहर किसी वेबसाइट से सीख रहे हैं, किसी वीडियो से, किसी बुक से, उस प्रिंसिपल को जो आप सीख रहे हैं उसे गेम में प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है, या आप उसे कैसे अपने चेस के गेम में यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी मुझे आपको सिखाना है, तो मैं आपको एक छोटा सा मिनी गेम खेल के पहले सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं शुरू में ही आपको थ्योरी बताऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे या बोरिंग भी लगे। तो मैं शुरू में ये करूंगा कि मैं एक मिनी गेम खेलने की कोशिश करूंगा। शायद जो भी मैं प्ले आउट करूंगा वो आपको लगेगा कि अगर काफी बार आप भी इस सिचुएशन में होते हुए ये गेम खेल सकते थे या ये गलती कर सकते थे। तो अगर इसी गेम में, इसी पोजिशन में अगर आप वाइट हैं, तो जस्ट ये इमेजिन कीजिए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट मूव दैट वाइट कैन प्ले। तो वाइट के पास यहाँ चलने के लिए काफी चॉइसेस हैं। हो सकता है कि वाइट इस पॉन को आगे यहाँ पे मूव करने की कोशिश करे। अगर ये नहीं, तो हो सकता है कि वाइट को लगे कि किंग को मुझे यहाँ चलना चाहिए, या हो सकता है कि किंग को यहाँ चलना चाहिए। बहुत सारी चॉइसेस हैं। या हो ये भी हो सकता है कि प्यादे को आगे रखते टाइम और किंग को पीछे ले जाके और मैं प्यादे को प्रमोट करूं, ये भी एक चाल उसके दिमाग में आ सकती है। तो लेट सपोज कि मैं वाइट हूं और मुझे चाल चलना है, और मैंने इस गेम में यहीं पे मैंने ये चला। अब ब्लैक का मतलब मेन प्रिंसिपल इस गेम में यही है कि ये प्यादा यहाँ पे प्रमोट होके क्वीन बन जाएगा, तो उसे रोकना है। तो उसके उसका जो पाथ है उसमें किसी ना किसी तरह से बाधा क्रिएट करनी है, तो वो इसी एक लाइन के आसपास रहेगा और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा एंड तक। तो इस पोजीशन में सपोज ब्लैक ने क्या किया कि ब्लैक भी यहाँ पे साइड में हो गया। अब नेक्स्ट चाल आपको क्या चलनी है, आप क्या चल सकते हैं? व्हाइट हैं तो हो सकता है कि आप अपना प्यादा आगे चल के इसे चेक दें। चेक देने पे लेट सपोज कि ये साइड में हो गया, आप भी इसके रिस्पॉन्स में साइड में हो गए। अभी ब्लैक के पास साइड में चलने की या आगे चलने की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो इट विल जस्ट डायरेक्टली गो बैक। और उसके पीछे जाने के बाद आपने थोड़ा और स्पेस ऑक्यूपाई किया और आप ऊपर चले गए गेम में। उसके उसके बाद ब्लैक के पास फिर से इधर और इधर चलने का ऑप्शन है। लेट्स सपोज कि ब्लैक जस्ट फॉर चेंज इधर कहीं चला गया। उसके बाद आपने फिर से प्यादा चला और उसे चेक दी और ब्लैक इधर साइड में आ गया। आप भी राजा को कहीं साइड में ले आए। उसके बाद ब्लैक के पास फिर वही सिचुएशन हो गई, ब्लैक पीछे चला गया, आप भी राजा को लेके और आगे चले गए। उसके बाद फिर ब्लैक के पास वही सेम सिचुएशन, ब्लैक इधर फिर से साइड स्टेप हो गया, आपने चेक दिया तो ब्लैक फिर से सेंटर पे आ गया। सेंटर पे आ गया तो आप भी इधर आ गए। उसके बाद ब्लैक के पास फिर वही सिचुएशन हुई। आप देख रहे हैं एक पैटर्न बनता जा रहा है। ये लास्ट में ब्लैक यहाँ पे आ गया और आपने ये चला, और ब्लैक के पास आगे चलने का कोई मूव नहीं है। ब्लैक केवल या तो साइड में चल सकता है, इधर चल सकता है। लेट्स सपोज कि ब्लैक यहाँ चला गया और आपने यहाँ
आगे रख के चेक दिया। अब जो होने वाला है फ्रेंड्स कि ब्लैक यहाँ सेंटर में आ गया। अब आप जरा इवेलुएट कीजिए कि आप अगर वाइट हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिमाग में आता है, अब देखिए प्यादा जो है वो उसके पास तो आगे चलने की जगह नहीं है, आपको राजा ही कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। अब लेट सपोज कि अगर मैं राजा को उठा के यहाँ रख देता हूँ तो दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज अ स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रॉ जिसमें उसके राजा के पास चलने के लिए अभी यहाँ पे कोई भी लीगल मूव नहीं है। प्यादे ने ये वाले दोनों स्क्वायर कंट्रोल किए हैं, राजा ने ये दोनों स्क्वायर कंट्रोल किए हैं, तो उसके पास चलने के लिए कोई भी लीगल मूव नहीं है, इट्स अ स्टेलमेट। लेट्स सपोज कि इस पोजीशन में जब आपका किंग यहाँ था, आपको पता है कि यहाँ पे चलने पे स्टेलमेट हो जाएगी। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किंग को कहीं पे साइड स्टेप कर दीजिए। साइड स्टेप करने पे ही एक रिजल्ट होगा कि वो इस प्यादे को ले लेगा, इक्वल मटेरियल से फिर से ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो ये होता है कि अगर आपको रूल ऑफ ऑपोजिशन नहीं पता है तो गेम इस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं। और उसी के विपरीत हम अब देखते हैं कि अगर आपको रूल ऑफ ऑपोजिशन पता है तो रूल ऑफ ऑपोजिशन पता होने के बाद गेम प्ले किस तरह से प्रोग्रेस करता है। तो इस पोजिशन में फ्रेंड्स अगर आपको रूल ऑफ ऑपोजिशन पता है तो वाइट के लिए मल्टीपल करेक्ट मूव्स नहीं है, वाइट के लिए केवल एक ही मूव है जो वाइट चल सकता है, विच इज कॉल्ड टेकिंग द ऑपोजिशन। तो अभी इस पोजिशन में अगर वाइट ने सपोज ये चला, तो नाउ दिस इज कॉल्ड वाइट हैज टेकन द ऑपोजिशन। व्हाट डज इट मीन कि आपको तीन छोटे छोटे सब रूल्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है जिससे आप इवेलुएट करते हैं किसी भी पोजीशन को बोर्ड पे ऑपोजिशन के लिए। तो अभी अभी इस पोजीशन में हुआ यह है कि आपने वाइट ने ये वाला मूव चल के ऑपोजिशन ले लिया है। कैसे लिया है ऑपोजिशन, उसमें आपको तीन चीजों का जो मैंने बोला कि सब रूल्स हैं उनका ध्यान रखना होता है। कि पहला सब रूल कि दोनों किंग्स जो भी राजा हैं गेम में वो दोनों किंग्स सेम कलर स्क्वायर पे होने चाहिए। अगर वाइट का किंग व्हाइट स्क्वायर पे है तो ब्लैक का किंग भी व्हाइट स्क्वायर पे होना चाहिए। रूल नंबर टू ये कहता है कि दोनों राजा के बीच में ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स होना चाहिए। ऑड नंबर स्क्वायर्स मींस 1, 3, 5, 7, दैट इज द काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्वायर दैट शुड बी बिटवीन बोथ द किंग्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पोजिशन में आफ्टर द व्हाइट किंग हैज मूव देर इज ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर बिटवीन बोथ द किंग्स, देर इज 1 स्क्वायर विच इज एन ऑड नंबर। तो ये रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड और जो क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है इन द इवैल्यूएशन ऑफ अ पोजीशन फॉर डिटरमाइनिंग इफ इट इज एन ऑपोजिशन और नॉट, जो क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है वो थर्ड है। और वो क्राइटेरिया क्या बोलता है कि इट शुड बी द ओपोनेंट्स टर्न टू मूव। मतलब कि जब आपने एक बार ऑपोजिशन ले लिया उसके बाद जो बाकी दो क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, थर्ड क्राइटेरिया ये फुलफिल होना चाहिए कि आपके ओपोनेंट का टर्न होना चाहिए। अगर आपकी चाल है तो अगर आपको इस टाइम पे आपने अभी अभी इस राजा को उठा के यहाँ से यहाँ चला है, अब आपके ओपोनेंट का मूव है। अगर आपका मूव होता तो अभी ऑपोजिशन आपने लिया है, अगर आपका मूव होता तो आप कहीं ना कहीं इस राजा को डिस्प्लेस करके ऑपोजिशन लूज कर देते। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी आपने ऑपोजिशन ले लिया, इट इज द ओपोनेंट्स टर्न। ओपोनेंट को अगर मूव करना है तो क्या होगा गेम में, अब आप देखिए कि ओपोनेंट, अब मैं फिर से एक छोटा सा मिनी गेम खेलता हूँ और उसमें आपको बोलता हूँ कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है। अब अगर ओपोनेंट सपोज कि यहाँ चलता है तो आपको फिर से एक बार ऑपोजिशन लेना है। इस पोजिशन में जैसे ही वो कभी भी साइड स्टेप करता है तो इस पोजिशन को बोलते हैं आउट फ्लैंक करना। तो आउट फ्लैंक का मतलब, चेस इज अ वॉर गेम, चेस एक युद्ध का एक छोटा सा मिनी मॉडल है, उस तरह से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे ये वाला जो वाइट किंग है मेरा, वो इस एक स्क्वायर को, इस एक स्क्वायर को और इस एक स्क्वायर को अपने सामने कंट्रोल कर रहा है। ये वाला जो स्क्वायर है, ये ब्लैक किंग अगर आप देखेंगे तो ब्लैक किंग इस वक्त इस स्क्वायर को, इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये वाला एक स्क्वायर है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर रहा है और यही वो फ्लैंक है जो व्हाइट किंग क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ जाएंगे, अब आप देख सकते हैं कि हमने उसे आउट फ्लैंक कर दिया है उसके किंग
तो नाउ एट दिस पोजिशन अब हमारी इन्फ्लुएंस धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे. मेन थीम जो हम फॉलो करेंगे गेम पे, गेम में इस टाइम पे, वो ये कि हमें पॉन को तभी एडवांस करना है जब राजा ने पॉन के सामने, हमारे किंग ने सफिशिएंट स्पेस बना दिया है मूव करने के लिए. तो यूजुअली आप ऑपोजिशन को इसी तरह से याद रखिए कि कभी भी अपने प्यादे को एडवांस मत कीजिए, राजा को प्यादे के पीछे मत छोड़िए, राजा को सामने रहना चाहिए. राजा, द किंग शुड बी इन फ्रंट इन ऑर्डर टू क्लियर द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द पॉन सो दैट इट कैन मूव. ये चीज को आप ध्यान में रखिए हमेशा. तो अभी इस पोजीशन पे हमने उसे आउटफ्लैंक किया है, तो अगर उसका राजा इस पोजीशन में लेट सपोज कि वापस पीछे चला जाता है, मूव क्या आप गेस कर सकते हैं? हाँ, फिर से आपको ऑपोजिशन लेना पड़ेगा. तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ. उसके बाद अब आप देख सकते हैं तीनों स्क्वायर्स में राजा ने ये वाले कंट्रोल किए हुए हैं, तो वो इन तीन स्क्वायर्स में तो कहीं नहीं जा सकता. लेट सपोज कि वो यहाँ पे साइड स्टेप हो गया, फिर से मुझे ऑपोजिशन लेना है. अब मैं फिर से यहाँ साइड में जाके ऑपोजिशन लेता हूँ. ऑपोजिशन लेने के बाद लेट सपोज कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे तो जो वेरिएशन में आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि अगर वो यहाँ पे वापस आ जाता है, तो इसे आप दो तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं. या तो आप भी किंग को वापस ले आइए यहाँ पे, उससे अगर ये वापस ही आना चाहता है यहाँ पे तो उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप अपने पॉन को सीधे एडवांस कर सकते हैं. पॉन को अगर मैं एक बार एडवांस करूंगा तो अपने आप वो रूल ऑफ ऑपोजिशन अगर मुझे पता है तो मैं आगे, ये जरूरी नहीं है कि मैं सेकेंड लाइन में रहते टाइम ही ऑपोजिशन क्रिएट कर सकता हूँ. अगर मेरा प्यादा फोर्थ लाइन में है, अगर मेरा प्यादा इसकी जगह इस लाइन में मौजूद है और उसका किंग यही कहीं यहाँ पे है, तो भी मैं ऑपोजिशन ले सकता हूँ. तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. समटाइम्स ही माइट प्ले इट डिफरेंटली. तो जैसा कि हम गेम में भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर ये सिचुएशन है कि उसने यहाँ पे, हमने उसे ऑपोजिशन दिया है और उसके बाद भी वो नीचे आने की बजाय ऊपर जा रहा है ऐसे, तो हम फिर से ऑपोजिशन लेंगे. अगर वो इधर साइड स्टेप करता है तो हम फिर से ऑपोजिशन लेंगे. उसके बाद वो फिर से ऊपर कहीं जाता है यहाँ पे, तो हम उसके बाद अब यहाँ पे बिना ऑपोजिशन लिए तो हम सेफली इस प्यादे को उठा के यहाँ रख सकते हैं. लेट सपोज कि वो वापस यहाँ आ जाता है. वापस यहाँ आने के बाद हम फिर से एक बार ऑपोजिशन लेंगे. ऑपोजिशन लेने के बाद इस बार वो इधर साइड स्टेप करता है, तो हम उसे यहाँ पे जाके आउट फ्लैंक करेंगे. आउट फ्लैंक करने के बाद लेट सपोज कि अब वो यहाँ नीचे आ जाता है. यहाँ नीचे आने पे मैं उसे ऐसे यहाँ से चेक देने पे लेट सपोज वो ऊपर चला जाता है, तो मैं अपने राजा को लेकर ऊपर चला जाता हूँ. और ये वो पोजीशन है जहाँ पे मेरे राजा ने सक्सेसफुली तीनों स्क्वायर कवर कर लिए, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी वो कुछ भी मूव चल सकता है ब्लैक, लेकिन मेरा केवल एक ही मूव रहेगा. लेट सपोज वो यहाँ आ गया, लेट सपोज वो यहाँ आ जाए और यहाँ भी आ जाए, तो भी मैं सेफ. तो ये मेरी क्वीन बोर्ड पे वापस आ जाएगी. उसके बाद ये तो बहुत ही आसान सा एक एंड गेम जिसमें आप हमेशा जीतेंगे. तो ये छोटा सा वीडियो है फ्रेंड्स, इसे रूल ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं. इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं. इसका एक वेरिएशन हो सकता है कि अगर आप ब्लैक हैं और आपका जो प्लेयर जो आपके साथ खेल रहा है उसके पास एक एडिशनल प्यादा है एंड गेम में, तो आप कैसे उसे रूल ऑफ ऑपोजिशन ना फॉलो करने दें या उसे ऑपोजिशन कैसे ना लेने. अगर आपको रूल क्लियर है तो आप वो चाल चल सकते हैं. उसके अलावा अगर आप ये, अगर जो बीच वाले खाने हैं इन पे अगर रूल ऑफ ऑपोजिशन है वो अलग तरह से प्ले आउट करता है. अगर आप कॉर्नर पे खेलेंगे, अगर ए पे या एच लाइन पे खेलेंगे, तो उस टाइम पे थोड़ा अलग तरह का है. तो ये सब आपको प्रैक्टिस करने के लिए lichess.org वेबसाइट पर मिल जाएगा. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर आपको प्रैक्टिस करना है, इसकी 6-7 वेरिएशंस वहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोथ एज अ ब्लैक एज वेल एज वाइट. तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. मैंने एक और भी वीडियो इंग्लिश में अपलोड किया था आज दिन में. उसके बाद थोड़े मेरे जो
कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल को फॉलो करते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ हिंदी में और वीडियोस किया कीजिए, तो इसलिए मैंने ये वाला अलग से ऑपोजिशन को हिंदी में समझा के सोचा कि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह की टैक्टिक्स बना के और इस तरह के जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो चेस के गेम में यूटिलाइज होते हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा और यहाँ इस फोरम पे पोस्ट करता रहूँगा। और आप प्लीज़, अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है और इसी तरह के और भी चेस के प्रिंसिपल सिद्धांत आप सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, इस तरह के वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। और कुछ और इसी तरह की सीरीज ऑफ वीडियोस में मैं दूसरे चेस एंड गेम प्रिंसिपल्स को भी कवर करूंगा आने वाले दिनों में। तो अगर आप इसी चैनल पे इस गेम को फॉलो करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा जिसका नाम कुछ एंड गेम प्रिंसिपल्स के आसपास होगा, तो उसमें आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई विश, आई होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।